उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विकास उत्सव मनाया जा रहा है। इसी की तर्ज पर वाणिज्य सप्ताह का आयोजन किया गया है और इसी के अंतर्गत आज वाणिज्य उत्सव की शुरुआत हुई है। बता दें कि ये उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश की राजधानी में इसकी शुरुआत केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने की। लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अनुप्रिया पटेल, चौधरी उदयभान सिंह और नवनीत सहगल मौजूद रहे। अपने संबोधन में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि इस वाणिज्य उत्सव में शामिल होना मेरा सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में युवा छात्रों को देखकर उत्सुकता हो रही है। देश ने आज़ादी के 75वें साल में प्रवेश किया है, इसी के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अब आत्मनिर्भर भारत बनाने की कवायद जारी है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर अब एक्सपोर्ट पर ध्यान दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में $400 बिलियन के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य को पूरा करने में उत्तर प्रदेश की सरकार तेज़ी से काम कर रही है। हमारे देश का 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग राज्य है उत्तर प्रदेश और माननीय योगी जी के नेतृत्व में इस वर्ष जो 1,21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है उसे 3,00,000 करोड़ तक बढ़ाने का तय किया गया है लक्ष्य और तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। ODOP से लेकर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी और स्टेट की एक अलग से एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाकर 16 सेक्टर्स पे फोकस किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक्सपोर्ट की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा योगदान देगा क्योंकि यहाँ पर अपार संभावनाएँ भी हैं और बहुत क्षमता भी है। चूँकि उत्तर प्रदेश बहुत पारंपरिक राज्य रहा है, यहाँ बहुत पहले से यहाँ पे कलाकारी रही हैं, इन चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए लोग इसको देश में जाने या दुनिया में जाने तभी तो लोग इसको खरीदेंगे, इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? मैं आपको बताना चाहती हूँ दुबई एक्सपो 2020 के बारे में जो 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 31 मार्च तक चलेगी और इसमें दुनिया के तमाम देश रहेंगे और भारत ने अपना पेविलियन वहां पर बनाया हुआ है। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने समस्त राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट करके सभी राज्यों को कुछ दिन दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश को 1 हफ्ते का समय दिया गया है दिसंबर माह में। तो ODOP के तहत बहुत सारे जो हमारे ऐसे उत्पाद हैं जिनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसे दुबई एक्सपो में हमारे इंडिया पेविलियन में प्रदर्शित और शोकेस करने का मन हमने बनाया है। वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद राज्यसमी MSME निर्यात एवं प्रोत्साहन चौधरी उदयवान सिंह ने कहा कि वाणिज्य सप्ताह के शुभ अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने आगे कहा, भारत सरकार के प्रयासों से हम वाणिज्य सप्ताह मना रहे हैं। भारत वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वोपरि था, तभी इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। निर्यात के क्षेत्र में यूपी को आगे बढ़ाने का काम योगी सरकार कर रही है, वहीं सरकार प्रदेश के उद्यमियों को भी आगे बढ़ा रही है। यूपी के निर्यात के मामले में 5वें पायदान पर है। साल 2020 और 21 में यूपी द्वारा करोड़ों का निर्यात किया गया है और मंदी के बावजूद भी यूपी का निर्यात बढ़ा है। प्रदेश व देश के विकास में सभी का सहयोग सुनिश्चित हो और वर्ष 2024 तक राष्ट्र को एक ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन साकार हो। धीरे धीरे गांव के व्यक्ति को भी, शहर में रहने वाले गरीब और भाई को भी यह अनुभव होने लगा कि अब मेरी कला का मूल्य मुझको मिलेगा, वह कला की ओर बढ़ने लगा, प्रशिक्षण सरकार की ओर से दिया जाने लगा, पूंजी सरकार मुहैया कराने लगी, चारों तरफ से एक वातावरण बना है उत्तर प्रदेश में और भारत में। आज भारत सोने की चिड़िया बनने की राह पर चलने लगा है, विश्वगुरु बनने की राह पर चलने लगा है। अब दिखने लगा है कि वह दिन दूर नहीं जब संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन भारतवर्ष से होगा। कार्यक्रम में मौजूद अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कहा कि यूपी सरकार निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा दे रही है, इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हम छोटे जिलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्यात से जोड़ने का काम कर रहे हैं और सरकार निर्यातकों की सुविधा बढ़ा रही है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी अब सर्विस एक्सपोर्ट पर काम करना शुरू कर चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार निर्यात को एक बहुत बड़ा एक मीडियम, एक साधन मान रही है पूरी अर्थव्यवस्था में आगे आने के लिए और सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं और मैं बड़ा धन्यवाद दूंगा भारत सरकार का कि हर कदम पर
हमें भारत सरकार से पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है, और जितने भी क्योंकि निर्यात का प्रकरण है भारत सरकार से ज़्यादा इश्यूज रहते हैं, प्रदेश सरकार से थोड़े से कम रहते हैं, फिर भी हम लोग जब जब भी हमारे निर्यातकों की समस्याएं उठाते हैं, इश्यूज उठाते हैं, भारत सरकार द्वारा उनका त्वरित निस्तारण होता है। उत्तर प्रदेश सरकार जो अपनी तरफ से, हम लैंडलॉक स्टेट हैं, हमारा जो मुकाबला है वो कोस्टल स्टेट से है, मुझे पूरी उम्मीद है और हम लोगों को पूरी आशा है कि हर तरह से, जैसे अभी टेक्सटाइल में PLI स्कीम आई है, हमारे उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, अपैरल एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और मैं माननीय मंत्री जी से बात कर रहा था कि ईस्टर्न यूपी की हमारी जो लेबर की कॉस्ट कंपैरिजन है वो बहुत फेवरेबल है, वियतनाम से भी सस्ता है, तो जो पूरी दुनिया वियतनाम में बांग्लादेश में जा रही है ये अप्रैल एक्सपोर्ट्स के लिए, वो हमारे यहाँ भी आ सकती है और आनी शुरू भी हुई है। काफ़ी परिवर्तन आया है पिछले 6-7 सालों में और ये उम्मीद है और आगे आगे बढ़ेगा।